अगर आप कुछ दिनों के लिए भी बीमार होते हैं तो आपको अचानक अच्छी सेहत की या सेहतमंद होने की कीमत समझ आ जाती है। सेहत के बिना हमारे जीवन के दूसरे आयाम हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। अगर सेहत न रही तो काम, परिवार, धन दौलत सभी अपना मोल खो देंगे। बुरी सेहत हमारे पास बुनियादी तौर पर दो तरीकों से आती है। एक तो ये कि इस दुनिया में रहते हुए हम किसी इन्फेक्शन की चपेट में आ सकते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन एक बाहरी हमले की तरह है। इससे हमें युद्ध स्तर पर निपटना होगा। आमतौर पर हम केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, पर जंग में यह भी ठीक है। लेकिन 70% से अधिक बीमारियां जिनसे लोग ग्रस्त हैं वो खुद की बनाई हुई हैं। वो ऐसी क्रॉनिक बीमारियां हैं जिन्हें हमने खुद अपने भीतर बनाया है। हमारा अपना ही सिस्टम हमारे खिलाफ काम करने लगा है। डिसीज शब्द का अर्थ है डिस ईज, यानी आप अपने सिस्टम को ईज या सहजता से नहीं रख पा रहे हैं, या दूसरे शब्दों में आपका सिस्टम चिड़चिड़ा हो गया है। इंसानी तंत्र के बहुत से आयाम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा बहुत घर्षण मौजूद है जिसके कारण कोई ना कोई बीमारी होती रहती है। कोई भी बीमारी अनुवांशिक नहीं होती। हो सकता है कि हमारे शरीर का कोई अंग अनुवांशिक रूप से थोड़ा सा कमजोर हो हमारे माता पिता की तरह, और इसलिए हमें भी वो बीमारी हो सकती है अगर हम भी उसी तरह की लाइफस्टाइल से होकर गुजरते हैं। लेकिन ये दिखाने के कई सबूत मौजूद हैं कि अगर हम अपने शरीर, मन और ऊर्जा के साथ सोच समझकर काम करें तो जो बीमारियां हमारे माता पिता को थीं, जरूरी नहीं कि वो हमें भी हों। अगर हम अपने जीवन को थोड़ी और जागरूकता से चला पाएं तो ये प्रक्रिया आसानी से पलटी जा सकती है। योग में हम इस मानव तंत्र को 5 परतों के रूप में देखते हैं। शरीर की 5 परतें। योगिक प्रणाली में मन जैसा कुछ नहीं होता। हर चीज को शरीर की तरह देखा जाता है।